दोस्तों हम रुके हुए हैं इंदौर से ओमकारेश्वर जाने वाली रोड पर। 5 बजे हम इंदौर से निकले थे, अंधेरे के कारण वीडियो नहीं बन पाई। लगभग 5:30 बजे का सुबह का समय हो रहा है और अब हम इधर ओमकारेश्वर की तरफ जा रहे हैं और घाट को क्रॉस कर रहे हैं। और ये कुछ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और ये हमारी गाड़ी स्विफ्ट डिज़ायर जिसमें हमने सफ़र करना है। और यहाँ पर ढाबा है एक, उसमें हमने चाय ली है। नर्मदा डैम और नीचे बोटिंग होती है। ये ओमकारेश्वर मंदिर के जाने का रास्ता और हम ओमकारेश्वर मंदिर होके आए हैं इधर से। दोस्तों हम जा रहे हैं ओमकारेश्वर महादेव के दर्शन करने और हमने ब्रिज का सहारा लिया है और इधर नर्मदा डैम आप देख सकते हैं। और अब हम पंडित जी हमारे साथ हैं और अमर और चाचा जी हमारे साथ, अब हम दर्शन करेंगे उधर ओमकारेश्वर मंदिर के अंदर। भगवान हनुमान जी की मूर्ति, ये आपका नंदी और इधर से मेन रास्ता है, अंदर एंट्री करेंगे। जय बजरंग बली, ओमकारेश्वर भगवान की जय हो। ओमकारेश्वर भगवान की जय हो, जय नंदी भगवान की जय हो। आप दर्शन कीजिए नंदी भगवान के। जय नंदी भगवान की जय हो। और ये और इधर आपको ओमकारेश्वर भगवान के दर्शन जाते हुए अंदर कपाट सीधे दर्शन करेंगे। मंदिर की स्ट्रक्चर देखिए, इधर गर्भगृह से हम दर्शन करके बाहर निकल आए हैं और ये गर्भगृह था यहाँ पर। आ रहे हैं चाचा जी संदीप दर्शन करके, बढ़िया दर्शन हुए हमारे आज का। जब संयोग देखिए क्या भयंकर बारिश हो रही है नर्मदा नदी में और हमने अभी महाकाल के दर्शन किए हैं। यही सेम स्थिति जब वैष्णो देवी के दर्शन करके हम बाहर निकले थे, यही सेम स्थिति तब भी हुई थी। अजीब इत्तेफाक है, बहुत बढ़िया। महाकाल का धन्यवाद, जय महाकाल। दोस्तों हम फिलहाल पहुंच गए हैं नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग पर और आप देख सकते हैं यहाँ से बोट के माध्यम से भी दर्शन कराए जाते हैं और उस साइड से इस साइड तक बोट के माध्यम से लोग आते हैं। और ये नर्मदा रिवर है, बहुत सुहावना दृश्य है, बहुत ही गजब दृश्य। और यहाँ लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। फिलहाल यहाँ पर बहुत लंबी लाइनें लग जाती हैं, कतारें, और फिलहाल हम दर्शन करके वापस आ चुके हैं। दोस्तों हम दर्शन करके आ चुके हैं ओमकारेश्वर भगवान के और ये नीचे बोटिंग है और ये झूला पुल जाने का रास्ता जिसे क्रॉस करके हम इधर आए थे।
और ये सामने नर्मदा डैम है इस झूला पुल के बाद, और आप लोकेशन देखिए।